तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिजिन, लीन फैंग, सिनर, मिस सुई और क्वेंसू काफी मेहनत करने के बाद येलो बैरियर को पार करके गोल्डन स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। अब लिजिन वहां पर बैठकर अपने लिए स्वॉर्ड सोल ढूंढने लगता है। तभी कई सारे स्वॉर्ड्स उसके चारों ओर घूमने लगते हैं और अब एक पावरफुल स्वॉर्ड लिजिन को अपना मास्टर चुनने के लिए तैयार हो जाती है। तभी सिनर लीन फैंग के पास जाते हुए बोलती है, ब्रदर, क्या आप इसी जगह पर अपनी स्वॉर्ड सोल को चुनोगे या फिर आप इससे भी आगे जाना चाहते हो? तभी मिस सुई बोलती है, लीन फैंग की स्वॉर्ड मार्शल सोल काफी ज्यादा पावरफुल है, तो उसे यहाँ से आगे बढ़कर होली स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म से अपने लिए स्वॉर्ड सोल चुननी चाहिए। और सिनर, पहले तुम इस जगह पर अपने लिए कोई स्वॉर्ड सोल चुनने की कोशिश करो, और अगर तुम्हें यहाँ पर कोई स्वॉर्ड सोल ना मिले तो तुम भी होली प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश कर सकती हो। यह सुनकर सिनर खुश हो जाती है। अब मिस सुई बोलती है, मास्टर ने हमसे कहा था कि यहाँ पर स्वॉर्ड्स खुद हमें अपना मास्टर चुनेंगे, तो हमें यहाँ पर हर जगह घूमकर स्वॉर्ड्स को इकट्ठा करना चाहिए, जिससे बाद में वह सभी स्वॉर्ड एक साथ मर्ज होकर एक पावरफुल स्वॉर्ड सोल बन जाए। और सिनर, अगर कोई पावरफुल स्वॉर्ड सोल तुम्हारे मार्शल सोल के साथ यहाँ पर मर्ज हो गई तो तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अब लीन फैंग बोलता है, सिनर, तुम यहाँ पर अपने लिए स्वॉर्ड सोल को ढूंढो, मैं आगे जाकर अपने लिए स्वॉर्ड सोल ढूंढता हूँ। मिस सुई बोलती है, लीन फैंग, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर सिनर की पूरी मदद करूंगी। अब लीन फैंग होली बैरियर की ओर आगे जाने लगता है। दूसरी ओर लिजिन ने कई सारे स्वॉर्ड्स को मर्ज करके एक पावरफुल स्वॉर्ड सोल बना लिया होता है, और अब वह उसे कंडेंस करने ही वाला होता है कि तभी वह स्वॉर्ड लिजिन को रिजेक्ट कर देता है, जिससे उस जगह पर लिजिन घायल हो जाता है। अब लिजिन बोलने लगता है, आखिर अचानक से इस स्वॉर्ड को क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो यह मुझे अपना मास्टर चुनने को तैयार था। तभी उसकी नजर लीन फैंग पर पड़ती है, जो होली बैरियर की ओर आगे बढ़ रहा होता है। अब लीन फैंग जैसे ही होली बैरियर के सीढ़ियों पर अपना पैर रखता है, उसके ऊपर काफी ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगती है। दूसरी ओर चेंगहाई, जेंग डाली और जियान फैंग दो और डिसाइपल के साथ येलो बैरियर को पार करके उस जगह पर आ चुके होते हैं, और अब वह भी लीन फैंग को होली बैरियर की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तभी जेंग डाली बोलता है, तो क्या ब्रदर लीन फैंग यहाँ पर होली स्वॉर्ड लेना चाहते हैं? जहाँ तक मुझे पता है, इस जगह पर बस 10 ही होली लेवल स्वॉर्ड है, और पिछले 30 सालों से आज तक कोई भी होली स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाया है। तभी जियान फैंग बोलता है, अगर यहाँ पर ब्रदर लीन फैंग यह काम नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि इस जगह पर कोई भी यह काम कर पाएगा। अब लीन फैंग जैसे जैसे सीढ़ियों पर आगे बढ़ रहा होता है, उसके ऊपर उतना ही ज्यादा प्रेशर बढ़ता चला जा रहा होता है। अब वह प्रेशर को कम करने के लिए अपने पास से वह टोकन निकालते हुए होली बैरियर की ओर दिखाता है, पर उस टोकन की लाइट से भी होली बैरियर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब लीन फैंग अपने स्वॉर्ड ऑरा की मदद से खुद को प्रोटेक्ट करता हुआ धीरे धीरे सीढ़ियों पर आगे बढ़ने लगता है, पर अभी भी उसकी हालत खराब होती है। पर लीन फैंग बिना रुके धीरे धीरे आगे बढ़ता ही चला जा रहा होता है, और अब वह होली बैरियर से बस 33 स्टेप दूर होता है, जो देखकर सिनर खुश हो जाती है और बोलने लगती है कि अब यहाँ पर लीन फैंग को होली लेवल स्वॉर्ड को लेने से कोई नहीं रोक सकता। पर अब लीन फैंग की हालत खराब हो चुकी होती है और उसका स्वॉर्ड बैरियर भी गायब हो जाता है। यह देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी मिस सुई बोलती है, लीन फैंग, अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल का यूज करो, तुम्हारे स्वॉर्ड मार्शल सोल की पावर को देखकर होली स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब यह सुनते ही लीन फैंग अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल को बाहर निकालता है, जिससे लीन फैंग की बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है, और यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि लीन फैंग की स्वॉर्ड मार्शल सोल होली लेवल की होती है और वह लोग अपनी लाइफ में पहली बार इतनी पावरफुल मार्शल सोल को देख रहे होते हैं। वहीं यह देखकर लिजन भी काफी हैरान होता है और बोल रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में किसी के पास होली लेवल मार्शल सोल भी होगी, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि लीन फैंग होली स्वॉर्ड प्लेटफॉर्म की ओर क्यों जा रहा है, क्योंकि उसकी मार्शल सोल काफी ज्यादा खतरनाक है। अब लीन फैंग के मार्शल सोल के बाहर आते ही उसके ऊपर प्रेशर आना बंद हो जाता है,
और अब वहां मौजूद सभी स्वॉर्ड लीन फैंग के पास आकर उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। यह देखकर जेंगडाली काफी हैरान होता है और बोलता है, तो क्या इस जगह पर यह सभी स्वॉर्ड्स लीन फैंग को अपना मास्टर चुन रही है। अब हर जगह से उड़ते हुए स्वॉर्ड आकर लीन फैंग के चारों ओर घूमने लगते हैं। अब यह देखकर लिजन समझ जाता है कि उसके स्वॉर्ड ने उसे मास्टर स्वीकार करने से मना क्यों कर दिया, क्योंकि उसके सामने उससे पावरफुल लीन फैंग खड़ा था। इसीलिए उसने लिजन को रिजेक्ट करके लीन फैंग को अपना मास्टर चुना। और अब उसे समझ में आ रहा होता है कि उसके और लीन फैंग के बीच कितना गैप है। अब वह स्वॉर्ड भी, जिन्होंने पहले ही अपना मास्टर चुन लिया होता है, वह भी उड़ते हुए लीन फैंग के पास जाने लगती है। यह देखकर जेंगडाली बोलता है, अब मुझे याद आया, आज से एक साल पहले हमारे हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। हमारी सभी स्वॉर्ड उड़कर कहीं चली गई थी और फिर थोड़ी ही देर में वह हमारे पास वापस आ गई थी। जियान फैंग बोलता है, हाँ अब मुझे याद आया, वह तभी हुआ था जब ब्रदर लीन फैंग पहली बार हमारे हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट में आए थे। अब मिस सुई उन्हें उस बारे में सब कुछ बताती है, जो सुनकर जियान फैंग और जेंगडाली हंसते हुए बोलते हैं, तो आज तक हम सभी से मास्टर्स ने यह बात छुपा कर रखी, यह अच्छी बात नहीं। मिस सुई बोलती है, होली लेवल मार्शल सोल 100 साल में किसी एक ही पर्सन को मिलती है और मास्टर नहीं चाहते थे कि किसी को इस बारे में पता चले कि लीन फैंग के पास होली लेवल मार्शल सोल है, क्योंकि उस वक्त लीन फैंग बहुत ही ज्यादा कमजोर था और उस वक्त लीन फैंग की मार्शल सोल को छीनने के लिए कोई भी उस पर अटैक कर सकता था। पर अब लीन फैंग डिवाइन मार्शल रैलम पर पहुंच चुका है, तो उसे कोई भी खतरा नहीं है। अब लिजन आगे आता हुआ बोलता है, ब्रदर लीन फैंग सच में एक जीनियस है और अगर उन्हें यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट मिले तो वह हमारे कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल पर्सन बन सकते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।